हेलो सलाम नमस्ते, कैसे आप सब? होप करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, हमेशा की तरह खतरनाक होंगे। सो फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ ऑफिस में, गणेश भैया को क्या हाल है देख ही नहीं रहा बोले। गजब बेइज्जती है भाई। अभी मेरे को शूट करके जल्दी से निकलना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ कहाँ अभी नहीं बताऊँगा। तू यार बोलना, अभी तो तू हाँ बोल रहा था, दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं यार मैं ऐसा गाड़ी से उतर, गाड़ी से चलती गाड़ी से उतर। इसने आधा घंटा वेट करवा, इवेंट में जाना था मेरे को 2 बजे, 3 बजे आ गए, आगे नहीं दे रहा। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ सोने के ऑफिस, मेन ऑफिस सोने का, जो कि है सरिता विहार में, और मैं एज ऑलवेज लेट हो चुका हूँ। हमें इनवाइट करा है नीरज भैया ने। कैसे हो नीरज भैया? ऑल गुड, आप बताओ। खास मैं बहुत बढ़िया शूट कर रहा हूँ, ये इन्होंने ही सजेस्ट करा था। अगर आपको भी कोई भी सजेशन चाहिए तो आप नीरज जी को परेशान कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल चलो। आप ही का वेट कर रहे थे और सब स्टार्ट हो मैं क्या कर, तो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और मैं पहले इनके साथ काम कर रहा था, गौरव हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग जानते भी, तो उनके साथ काम कर रहा था मैं। और जितने भी मैंने इक्विपमेंट्स लिए सोनी के ही है और नीरज भैया के। अभी कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? अभी मैं सोनी A7IV यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा होगा कि सजेस्ट करा कि ये वाला कैमरा अच्छा है, तो बस ऐसे धीरे धीरे करके इक्विपमेंट्स बढ़ा रहा हूँ और मतलब अपनी स्किल्स पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये है कि जितना भी है धीरे धीरे करके मैं कर रहा हूँ। क्या व्लॉग करते हो या क्या ब्लॉगर है वो? मैं, मेरा जॉनर बेसिकली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का एक फ़ायदा आप लोगों को बता, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में ना आप सब कर सकते हो। मतलब लाइफस्टाइल में है कि आप जूता भी प्रमोट कर सकते हो और एक ट्रैवल एजेंसी भी प्रमोट कर सकते हो। जैसे जितनी जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लो हो जाते हैं, आपने वीडियो डाली पसंद नहीं आई और लो हो गए, यूट्यूब पे भी उतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स लो होते हैं? यूट्यूब पे टाइम लगता है, बहुत यूजफुल है। मतलब उसमें आपको बताएंगे कि कैसे लाइट यूज करनी है, कब कंटेंट डालना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है और कैसे डालना है। इतने टेरी लेंसेज जो भारी हैं वो ऐसे गिरते हैं, है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर रहता है, गिर जाते हैं। तो जब ये लेंस डिजाइन किया जाता है प्रॉपरली, तो ये देखा जाता है कि जब आप टेली वाले शॉट्स लेंगे, चाहे वो सिनेमैटिक ले रहे हो, किसी सीखने को मिला कुछ? सीखा है कुछ? क्या सीखा? कैमरे के बारे में सीखा, यूट्यूब के बारे में सीखा कि क्या भाई डाल नहीं पाया क्या? डाल नहीं पाया इसका, नहीं है ना तेरे भी नहीं पैदल पैदल से अबे इधर आओ ना, वहाँ क्यों बैठे हो, इधर आओ पैदल भाई से डल। ये भाई अपने माधव भाई है, हमारे ट्रेनर तरुण भैया के बेटे। फ्रेंड ही है आकाश बाबूजी के लिए स्पेशल गिफ्ट सोनी की तरफ से, नीरज भैया की तरफ से। बता देना मुझे वो लेंस कैमरे का। मैं बच्चे मार चुका हूँ जिम में, अभी हम जाएंगे पहले चेंज करने के बाद वर्कआउट करेंगे। वेंस देखा? अरे वो तो बोल दो क्या, ये भाई सिंगल है। अच्छा ये भाई सिंगल है, हर लड़की को यही बोलता है और आईडी मेंशन है। अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट सोनी का चाहिए, चाहे वो माइक हो, चाहे वो कैमरा, चाहे लेंस हो, या अगर आप कंफ्यूज हो कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है लेना चाहिए, तो आप
नीरज भैया से सजेशन ले लेना, क्योंकि मतलब वो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और आपके बजट के ऐसा नहीं है, मतलब उनका ये नहीं है कि मतलब चेपना है किसी को, तो आपके हिसाब से आपके काम के हिसाब से वो आपको कैमरा सजेस्ट करेंगे। और मैं ये बोलूँगा कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मतलब मैंने ये सोचा है कि अब मैं ना सोनी के साथ और नीरज भैया के साथ ऐसी बहुत सारी मतलब वर्कशॉप हम लोग करते रहें, क्योंकि यार बहुत सारे लोग हैं ना पेड वर्कशॉप करते हैं और इवन कोर्स वगैरह भी मतलब पेड बेचते हैं, मतलब अच्छे खासा अमाउंट में बेचते हैं। बस मैंने सोचा है कि यार जितना, क्योंकि मैंने खुद मतलब यूट्यूब से सीखा है, गौरव भाई के साथ रह के सीखा है, और जहाँ भी मैं मतलब स्टूडियो में हूँ वहाँ पे सीखा है मैंने। और यार मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे, है ना, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो देख के नहीं सीख सकते। और क्योंकि मैं वहाँ गया, मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखने को मिली वर्कशॉप में, जो मैंने मेरे को नहीं पता थी, तो ये चीज़ थी यार। कई बार मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्स, तो उनके लिए मतलब मैंने सोचा ऐसे ऐसे वर्कशॉप हम लोग करते रहें, और बीच बीच में लोग गिव अवे वगैरह भी करते हैं। और मैंने सोचा है कि मैं जिम वगैरह की वीडियो भी डालूँ, कोशिश करूँ कि व्लॉग डालूँ, तो बस कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग डेली डाल पाऊँ। तो गाइस ये थे कुछ वीडियो, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रही क्योंकि बहुत टाइम बाद कंटेंट बना रहा हूँ, और मतलब मेरे को ना आदत नहीं रही है कि मतलब ऐसे शूट करने की, तो मतलब मैं ना एक लाइनअप नहीं बना पाता व्लॉग का, जैसे होता है ना कि मतलब ये शूट कर रहे उसके बाद ये, और मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को शूट भी करना है। खैर धीरे धीरे आदत आएगी दोबारा से, तो प्यार देना वीडियो को बहुत ज़्यादा, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वैसे बहुत लोग बोल रहे थे यार मेरा खुद मन करता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ, बट टाइम की वजह से मैं नहीं बना पाता, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।